हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉयट्रॉक्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको 10 मस्ट हैव एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो हर एक यूट्यूबर के पास होना जरूर चाहिए। ये सभी एप्लीकेशंस, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप यूट्यूब के लिए फ्री में वीडियोस को एडिट कर पाए, या फिर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप जो है ना थंबनेल को अच्छे से प्रोफेशनल एडिट कर पाए, या फिर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप ऑडियो में जो नॉइज रहता है ना उसको रिमूव कर पाए। तो आपके मन में भी बहुत सारा सवाल आ रहा होगा अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल ऑलरेडी खोल के रखे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इस वीडियो में हर एक एप्लीकेशन काफी यूजफुल है खास करके यूट्यूबर्स के लिए। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। सो अगर आप इन सभी यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है अल्टीमेट थंबनेल मेकर। गाइस, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो एंड अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे प्रोफेशनल थंबनेल्स को एडिट किया जाता है मोबाइल से, अगर आप नहीं जानते हैं कैसे थंबनेल एडिट किया जाता है, तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग टेम्पलेट्स। यहाँ पर आप फ्री वाला टेम्पलेट्स ही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि अगर आप गलती से वीआईपी वाला सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो फ्री वाला सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप जो है ना थंबनेल साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यूट्यूब के थंबनेल रहता है उसके हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कीजिए। एंड यहाँ पर आपके चैनल की कैटेगरी हिसाब से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेक्स्ट, स्टिकर्स, लेंस फ्लेयर्स वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं अच्छे से थंबनेल को एडिट करने के लिए। और हाँ, इस एप्लीकेशन में यूट्यूब के लिए बैनर बना सकते हैं एंड लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप में लोगो अच्छे से एडिट नहीं हो पाएगा, तो आगे जाके मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप लोगो भी एडिट कर पाएंगे। सो आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नंबर 2, व्लो। तो ये एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है। तो प्ले स्टोर में आपको काफ़ी सारा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जिनमें से आपको ज़्यादातर पैसा पे करना पड़ता है, या तक कि जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को मिलता है। जितना भी वीडियो एडिटर आप ट्राई करेंगे प्ले स्टोर से फ्री में वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पर आप स्प्लिट कर सकते हैं वीडियोस को, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे आपको वीडियो एडिट करना है वैसे आप आराम से वीडियो एडिट कर पाएंगे। और आप यहाँ पर एक्सपोर्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं आपकी वीडियो के हिसाब से। आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप एक्सपोर्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल मैनेजर से ऑडियो फाइल यूज़ करना है ना तो आप फाइल मेनर से ऑडियो फाइल भी यूज़ कर सकते हैं अलग से। अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सबसे कमाल की बात है यहाँ पर आप इस वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में 4K वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, जो मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा, देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियो है जिसको मैं अभी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ और प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल आप 4K में इसको मैंने एक्सपोर्ट किया है और आपको यहाँ पर कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं इसीलिए यह एप्लीकेशन आपको रेकमेंड करता हूँ। अगर आप फ्री में वीडियो एप्लीकेशन सर्च कर रहे हो तो यह एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वीडियोस को एडिट करने के लिए। तो इतना मेहनत से आप सभी के लिए यह एप्लीकेशन सर्च करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करो यार, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। आगे जाके ऐसा ही वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करता रहूँगा। नंबर 3, पिक्सल फ्लो। इस ऐप का काम यही है, अगर आप फ्री में इंट्रो या फिर आउट्रो बनाना चाहते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए तो ये वाला एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इस ऐप में है मेनी मोर कूल इंट्रो टेम्पलेट्स जिनको यूज करके आप आराम से इंट्रो या फिर आउट्रो बना सकते हैं। तो कोई भी आपको इंट्रो सिलेक्ट करना होगा जो आपको पसंद आ जाए, यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फ्री एडिटर मिलेगा। इस एडिटर में आप जो है ना टेक्स्ट या फिर यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी सॉन्ग वगैरह रहता है आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे इस एडिटर में। और हाँ, यहाँ पर आप फ्री वाला इंट्रो को सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप वीआईपी वाला सिलेक्ट करेंगे तो बाद में शायद आपको पैसे देना पड़ सकता है। तो अच्छे से टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एडजस्टमेंट कीजिए, जैसे आपका ये इंट्रो बन जाएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, यही इस एप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप फ्री में जानना चाहते हैं कैसे वाटरमार्क को रिमूव किया जाता है किसी वीडियो में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और डीएम करो, मैं आपको तरीका बता दूंगा। सो अगर आपके पास गेमिंग चैनल है या फिर ब्लॉग चैनल है या फिर टेक चैनल है, किसी भी प्रकार कैटेगरी का चैनल क्यों ना हो, आप आराम से इंट्रो या फिर आउट्रो बना सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से। तो ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट और नंबर 4 एप्लीकेशन का नाम है एजेट स्क्रीन रिकॉर्डर। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल वीडियोस को बनाते हैं, और मैंने भी शुरू में इस एप्लीकेशन को यूज़ किया था स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप जो है रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डिवाइस है उस हिसाब से यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही सिंपल एंड इजी है, जो आप आराम से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके मोबाइल में।
वीडियोस गेम को स्ट्रीम करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो स्ट्रीम करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी। सो अगर आप फ्री में स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोज के लिए, तो ये एप्लीकेशन भी आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो जरूर से एक बार इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। नंबर 5 और इस लिस्ट का मेरा फेवरेट एप्लीकेशन का नाम है ओपिन कैमरा, और इसका नाम ही ओपिन है, आप समझ गए होंगे इस एप्लीकेशन का काम क्या है। तो ज़्यादातर देखा जाए अगर आपके फ़ोन की डिफ़ॉल्ट कैमरा को चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर आप वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सटर्नल माइक जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा आपके फ़ोन की डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन में, जो एक्सटर्नल माइक है ना बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। सो इसलिए आपको ये ओपन कैमरा एप्लीकेशन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन की जो वीडियो सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑडियो सोर्स पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप जो है ना एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा यूजफुल फीचर है इस ओपन कैमरा एप्लीकेशन का, जिसके मदद से अगर आप माइक यूज़ करते हैं वीडियोस में ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है, यहाँ तक कि वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमाल के फीचर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको 4K वीडियोस को रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, हालांकि आपके फ़ोन में 4K सपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे आपको कमाल के फीचर देखने को मिलता है वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। हर एक यूट्यूबर के पास होता है ये एप्लीकेशन, आपके पास भी होना चाहिए अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं तो। नंबर 6 बैकग्राउंड इरेजर, ये वाला एप्लीकेशन भी काफ़ी यूजफुल है यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि अगर आप थंबनेल में खुद का फोटो यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक बैकग्राउंड इरेजर की जरूरत है, जो कि ये वाला एप्लीकेशन आपको यूज़ करना चाहिए। इस ऐप में आप जो है ना बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैजिक वाला ऑप्शन है जो आप अच्छे से सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर आप गलती करते हैं या फिर मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अंडू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। शुरू में आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा इस एप्लीकेशन का फीचर्स कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत ही काम का यार, अगर आप थंबनेल को एडिट करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि खुद का फोटो अगर आप यूज़ करना चाहेंगे बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर 7 लोगो मेकर, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन बताया था कि आगे जाके आपको मैं एक बेस्ट लोगो डिजाइन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, तो यही वो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है ना प्रोफेशनली हाई क्वालिटी लोगो डिजाइन कर सकते हैं आपकी गेमिंग चैनल के लिए, टेक चैनल के लिए या फिर कॉमेडी चैनल के लिए। आपके पास किसी भी प्रकार चैनल क्यों ना हो, आप हर एक कैटेगरी चैनल के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो बाकी सभी एप्लीकेशन की तरह इस एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट लोगो टेम्पलेट देखने को मिलेगा, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप किस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। और हाँ, यहाँ पर लोगो डिजाइन करते समय आप जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वही वाला डिजाइन रखेंगे तो आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो आप लोगो डिजाइन करेंगे, जो टेम्पलेट यूज़ करेंगे ना, उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा। आप आपके हिसाब से कलर बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट स्टाइल पसंद आए वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपको शेप्स यूज़ करना है तो अलग अलग शेप्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको फोटो एडिट करने का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है ना, तो आप अच्छे से लोगो डिजाइन कर सकते हैं इस वाले एप्लीकेशन में। और हाँ, सबसे अच्छी बात है आपको लोगो का जो साइज है ना वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको साइज मिल जाएगा, जस्ट आपको लोगो डिजाइन करना है और एक्सपोर्ट कर देना है, और आपके यूट्यूब चैनल पर इसको आप अपलोड कर सकते हैं। नंबर 8 वेबपैड ऑडियो एडिटर, तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा इस एप्लीकेशन में आप जो है ऑडियो फाइल को एडिट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप यूट्यूब वीडियोस के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं और अगर आप परेशान हैं कि ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है, इसको कैसे रिमूव किया जाए, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी ऑडियो फाइल का जो नॉइज है इसको रिमूव करने के लिए। तो आपको जो है एक ऑडियो फाइल सिलेक्ट करना होगा आपके फ़ोन की फाइल मैनेजर से, और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑडियो को आपको सिलेक्ट ऑल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लीन आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इस वाले ऑप्शन के बाद आपको फिर से सिलेक्ट करना होगा नॉइज रिमूवल के ऑप्शन पर। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपका जो ऑडियो में नॉइज रहेगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं आसानी से। यहाँ तक कि अगर आपको किसी भी ऑडियो फाइल में ट्रिम करना है तो ट्रिम कर सकते हैं, ऑडियो का जो लेवल है इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यार, अगर आपको फिर से बता दूँ, ऐसा ही एप्लीकेशन काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए सर्च करता हूँ, तो अगर आपको ज़रा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हमारे और एक नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नंबर 9 ट्यूबबडी। ट्यूबबडी एक बहुत ही अच्छा यूजफुल एप्लीकेशन है खास करके यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि इस ऐप में है ना आपको अलग अलग पॉपुलर टेक्स्ट का सजेशन देखने को मिलेगा, जो आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके आपके यूट्यूब वीडियोस पे पेस्ट कर सकते हैं, और आपका चैनल का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि आपका चैनल किस प्रकार है, कैसा ग्रो कर रहा है, वो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको टेक्स्ट सर्च करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर आप दिमाग इतना घुमाना नहीं चाहते कि टेक्स्ट क्या होता है, तो ये वाला एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। नंबर 10 और इस लिस्ट का मेरा सेकेंड फेवरेट एप्लीकेशन का नाम है वाटी स्टूडियो।
तो गाइस ये एक बहुत ही कमाल का यूजफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है ना आपके चैनल का फुल एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे अर्निंग कितना हुआ है वो चेक कर सकते हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो चेक कर सकते हैं, कौन सी वीडियो आपका कितना रैंक पर है, कैसा जा रहा है, सब कुछ डिटेल्स जो है ना आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। जो कि हर एक यूट्यूबर के पास ये एप्लीकेशन होता है और मेरे पास भी है। जो अगर आप शुरू शुरू YouTube चैनल खोल रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे आपका चैनल का एनालिटिक्स चेक करें, कैसे अर्निंग वगैरह चेक करें, कहां से ट्रैफिक आ रहा है, सब कुछ चेक करने के लिए ना ये वाला एप्लीकेशन आपको ट्राई करना चाहिए। और हाँ, लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं YouTube का कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतना दिन से मैंने जो भी सीखा है इन सभी एप्लीकेशन से तो वो सब यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर किया है। आई होप ये सभी एप्लीकेशन आपको पसंद आया होगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।